नमस्कार। भारत ने अब तक का सॉफ्ट पावर में जितने भी पावर उन्होंने यूज की होगी भारत ने अब तक का सबसे महत्वपूर्ण पावर का प्रयोग किया, क्योंकि तो पावर की यह संकल्पना सॉफ्ट पावर, यदि आप नहीं जानते जान लीजिए, सॉफ्ट पावर मिलिट्री पावर से अलग होता है। मिलिट्री पावर को आप हार्ड पावर कहते हैं, किसी देश की मिलिट्री पावर वो हार्ड पावर कहलाता है। सॉफ्ट पावर होता है किसी देश की आकर्षण करने की शक्ति, उस वह देश दूसरे देश को कितना आकर्षित करता है वह उसका सॉफ्ट पावर होता है। जैसे आज आपको पता ही है, आज 21 जून है, आज इंटरनेशनल योगा डे है, अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव दिवस, यह भी भारत का सॉफ्ट पावर में से एक है, क्योंकि तो इसके माध्यम से भारत ने अपने प्रभाव को विश्व के अन्य क्षेत्रों में फैलाया। हम ठीक है, हो सकता है कि हम अमेरिका और चाइना के रिस्पेक्ट में हमारा हार्ड पावर कमजोर हो, लेकिन हम भारत का जो सॉफ्ट पावर है, मतलब भारत का लोकतंत्र, भारत की विविधता डायवर्सिटी, भारत के सांस्कृतिक मूल्य, भारत का अहिंसा, गांधी, अशोक, अकबर, यह भारत के यानी भारत का इतिहास, यह भारत का सॉफ्ट पावर है जो दूसरे देशों को आकर्षित करता है कि हम भी भारत जाएं और भारत से संबंध बनाएं, भारत एक अच्छा देश। और इसी सॉफ्ट पावर को और मजबूती प्रदान करने के लिए भारत ने एक ब्रह्मास्त्र चल दिया। ब्रह्मास्त्र था G20 को G21 बनाना। मतलब सिंपल है, भारत ने कहा कि जो अफ्रीका महादेश है और उनका एक यूनियन है, अफ्रीकी यूनियन, जिसमें कुल अफ्रीका महादेश के 55 देश हैं, भारत ने कहा उस अफ्रीकी यूनियन को भी G20 में शामिल कीजिए, क्योंकि यदि G20 आज के दिन में विश्व की एक आवाज बनता जा रहा है तो उसमें अफ्रीका के देशों को नजरअंदाज क्यों किया जा रहा है। भारत का इससे प्रभाव बढ़ रहा है अफ्रीका देश में, और अफ्रीका ही नहीं, ग्लोबल साउथ में। चलिए पहले तो हम बात कर लेते हैं एक दो बातें। मैंने जहां तक बात बोली थी G20 की, आपको पता ही है कि G20 मतलब, मैंने पढ़ाया हुआ है, आप जानते हैं मेरे वीडियो को देखे हुए, G20 एक संगठन है जो 20 देशों का, ताकतवर देशों का 1999 में एस्टेब्लिश हुआ था और 2008 में इसका पहला अधिवेशन हुआ था USA में, समिट। ये जो देश है इसमें आप देख रहे हैं विश्व के शक्तिशाली देश, जैसे कि कनाडा है, चाइना है, यूरोपियन यूनियन है, जापान है, इंडोनेशिया है, भारत है, ऐसे कई देश है, लंदन है, यानी कि सॉरी यूनाइटेड किंगडम है, यूनाइटेड स्टेट्स है और रशिया भी है, आप देख सकते हैं बाकायदा, ये सारे देश है जो G20 के मेंबर है। भारत कह रहा है कि नहीं, ये 20 नहीं 21 करो, इसकी जगह पर अफ्रीकन यूनियन को भी लेकर के आओ जो रिप्रेजेंट करता है 55 देश, क्योंकि भारत अब ग्लोबल साउथ की बात कर, भारत अपना प्रभाव अब बढ़ाना चाहता है साउथ के देशों में, ग्लोबल साउथ जिसको कहा जाता है। यहां पर एक बात ध्यान रखेंगे वो यह भी है, जरा समझिए, ये जो अफ्रीका का जो अफ्रीकन यूनियन है ये ग्लोबल साउथ का ही पार्ट है। ग्लोबल साउथ में बेसिकली किस देश को रखा जाता है मैं आपको बताता हूं, सुनिए, ये आप फिगर देख रहे हैं, ये जो लाइन देख रहे हैं इसके नीचे के सारे देश ग्लोबल साउथ कहे जाते हैं। किसे आप कहेंगे ग्लोबल साउथ, सुनिए, पहले इस फिगर से पहले, वो सारे देश जो विकासशील अवस्था में है, गरीबी के आलम में है, वे अधिकतर देश दक्षिणी गोलार्ध के हैं, यानी इक्वेटर के 0 डिग्री से साउथ की ओर, दक्षिण की ओर, और इन्हें ग्लोबल साउथ कहा जाता है। इन सारे देशों भारत इनकी आवाज बनना चाहता है, भारत अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहता है इन देशों में, चाइना और अन्य इस जैसे देशों को जो चुनौती मिल रही है भारत को, उसको वो बैलेंस कर सके, क्योंकि आपको पता है इन सारे देशों में, ग्लोबल साउथ के देशों में, खासकर साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, अफ्रीका, इन सब में चाइना का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ रहा है। याद रखें ग्लोबल साउथ में
सेंट्रल अमेरिका, जिसमें मेक्सिको से शुरू करते हुए पनामा तक आइए, वहां से फिर साउथ अमेरिका, ये भी आता है ग्लोबल साउथ में। अफ्रीका महादेश पूरा है, एशिया भी पूरा है चाइना को लेकर के, लेकिन जापान नहीं है, याद रखेंगे जापान इसका अंग नहीं है। ऑस्ट्रेलिया भी जो नीचे पड़ा हुआ है वह अंग नहीं है, और एशिया का एक बड़ा पार्ट जो कहलाता है ऊपर में रसिया, वह भी नहीं है। रसिया को छोड़ करके, जापान को छोड़ करके, इसराइल को छोड़ करके, ताइवान को छोड़ करके, ये देश ग्लोबल एशिया के ये देश ग्लोबल साउथ कहे जाते हैं। भारत ग्लोबल साउथ की आवाज बनना चाहता है, भारत लीडरशिप लेना चाहता है। भारत का मानना है कि ग्लोबल साउथ यानी दक्षिणी गोलार्ध के गरीब देश, उनकी कोई नहीं सुनता है, न यूएनओ में सुना जाता है, न किसी अन्य मंच पर सुना जाता है। भारत ने कहा मैं आवाज बनूंगा ग्लोबल साउथ की, मैं वॉइस बनूंगा, मैं आपके लिए लड़ूंगा। ये ब्रह्मास्त्र नहीं तो और क्या था, लेकिन छोटा था। और इसी ब्रह्मास्त्र की शुरुआत कैसे होती जरा देखिए, यानी भारत जो लीडर बनना चाह रहा है ग्लोबल साउथ का, इसकी शुरुआत देखिए कैसे होता है। सबसे पहले शुरुआत यहां देखिए, इंडियन एक्सप्रेस में न्यूज है, ये आपको देखने को मिलेगा। भारत ने एक समिट ऑर्गेनाइज किया, ध्यान से सुनेंगे, जनवरी की बात है, 12 जनवरी का ये पेपर है। ये था ग्लोबल साउथ समिट एट वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट, यानी ये पहला समिट था जिसकी मेजबानी भारत ने की। और इसमें यह भी ध्यान रखना है, वह यह है कि यह वर्चुअल था। भारत ने एक स्टेप उठाया कि सारे दक्षिणी गोलार्ध के गरीब देशों को एक किया जाए और उनकी सामूहिक आवाज बनाए, और इसी का परिणाम था यह सम्मेलन। यह भारत ऑर्गेनाइज किया, लेकिन वर्चुअल था, पीएम मोदी की अध्यक्षता में। आगे देखिए, ये इस सम्मेलन में क्या क्या होता है जरा देखिए, इस बात कुछ बातें कही गई, जरा देखिए। देखिए इस सम्मेलन में ओपनिंग रिमार्क्स में कहा क्या गया, देखिए मोदी के द्वारा क्या कहा गया कि योर वॉइस इज इंडिया वॉइस, ये बात ध्यान में रखेंगे। उन्होंने कहा कि आपकी आवाज, ये ग्लोबल साउथों की आवाज भारत की आवाज है, और आवर प्रियोरिटी और योर प्रियोरिटी आर इंडियंस प्रियोरिटी। साफ उन्होंने कहा कि आपकी जो प्रियोरिटी है, यानी जो आपकी प्राथमिकता है, वही भारत की प्राथमिकता। देखिए कितनी बड़ी बात, आगे समझिए इस बात को, और समझिए थोड़ा सा, और देखिए इसी समिट में और बातें कही गई, जरा देखा जाए। देखिए इस समिट में एक बात कही गई, वह यह था, जरा समझेंगे इस बात को, टू रिकॉग्नाइज द वर्ल्ड वी शुड टुगेदर कॉल फॉर द ग्लोबल एजेंडा फॉर रिस्पॉन्ड रिकॉग्नाइज रिस्पेक्ट रिफॉर्म। मतलब इसी समिट में उन्होंने कहा, इसमें ग्लोबल साउथ वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट, पूरे दक्षिणी गोलार्ध के देशों को एक करते हुए ये बात कही। याद रखेंगे इस सम्मेलन में लगभग 125 देश शामिल हुए थे, और ये कहां के शामिल थे, वही सेंट्रल अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, ये सब देश, 125 देशों को वर्चुअली मोदी ने संबोधित किया। ये स्टॉक पावर था। और उन्होंने कहा जो मैंने पहले कहा, आपकी आवाज हमारी आवाज, आपकी प्राथमिकता हमारी प्राथमिकता, और साथ में कहा हम लोग टुगेदरली चलेंगे, और ऐसे चलेंगे कि आपको रिस्पॉन्ड भी किया जाएगा, आपको रिकॉग्नाइज भी किया जाएगा, आपको रिस्पेक्ट भी किया जाएगा, और आपको रिफॉर्म भी किया जाएगा। वैसे जरी बात कही जाए, प्लस और आगे देखते हैं, इसमें एक बात और भी है, जरा देखिए। और इसी का परिणाम था, इस ग्लोबल भारत जो अब
ग्लोबल साउथ का एक तरह से लीडर या कहा जाए कैप्टन बनकर निकल रहा है, इसका प्रभाव चाइना पर पड़ रहा है। चाइना को लग रहा है कहीं ना कहीं भारत आगे निकल जाएगा उससे, क्योंकि चाइना ने अपने ऋण जाल में इन देशों को फंसा रखा। ये देश चाइना से आकर्षित होकर संबंध नहीं बनाते हैं, बल्कि चाइना के ऋण जाल में फंस जाते हैं और तब संबंध को बनाते हैं। पहले चाइना इनको पैसा देता है, बोलता है तुम्हारा विकास होगा, और बाद में जब वो देश नहीं दे पाता है तो फिर एक तरह से उनकी पूरी इकोनॉमी तो नहीं कहेंगे, गवर्नमेंट पर कंट्रोल एस्टेब्लिश करता जा रहा है। देखिए अब आगे देखिए, और यही ग्लोबल साउथ की बात जरा ध्यान समझेंगे। आखिर ये कोई एक दिन की बात नहीं थी, हर मंच पर मोदी जी ने ग्लोबल साउथ की बातें कही। जरा देखिए, ये है टाइम्स ऑफ इंडिया का G7 का जो मीटिंग हुआ था हिरोशिमा में, आपको पता होना चाहिए। उस सम्मेलन में भी इन्होंने दो बातें स्पष्ट वे में कही। पहला बात था कि UNSC में रिफॉर्म किया जाए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को में रिफॉर्म किया जाए, और दूसरी बात उन्होंने कही, ध्यान से सुने, वो यह था, यहां पर भी उन्होंने एक बात कहा, एक इशू उठाया, वह था ग्लोबल साउथ का इशू। यहां पर भी ग्लोबल साउथ का इशू, मतलब ये भारत आज अचानक केवल तुरंत नहीं कहा कि G20 में G21 कर दिया जाए, G20 को G21 कर दिया जाए, यानी पूरे अफ्रीका महादेश को शामिल किया जाए अफ्रीकन यूनियन के बैनर तले। इसका प्रोसेस बहुत दिनों से चल रहा है। भारत हर मंच पर लगातार ग्लोबल साउथ की बात करता है, उसकी आवाज को बात करता है, और उसका एक बिगेस्ट पार्ट जो है वो अफ्रीका है, और वही आप जान ही रहे हैं अफ्रीकन यूनियन जिसमें 55 देश, ठीक है, इसको भी आप समझ ही रहे हैं। आगे आगे एक बात और भी इसमें समझ लीजिएगा कि भारत ने जैसे कि कहा मैंने कि शुरुआत इसकी पहले हो गई, लेकिन इसकी शुरुआत जरा देखा जाए तो और पहले हुई। जब भारत ने वैक्सीन डिप्लोमेसी को शुरू किया, भारत ने लगभग अफ्रीका के सभी देशों को वैक्सीन दिया। भारत ने तो लगभग 50% अफ्रीका के देशों को फ्री में वैक्सीन दिया, यानी भारत सॉफ्ट पावर का प्रयोग कर रहा था अपने ग्लोबल साउथ के लीडरशिप, ग्लोबल साउथ के वॉइस के रूप में। भारत ये बता रहा है कि मैं आपकी आवाज भी हूं, तकलीफ में मैं आपके साथ खड़ा रहूं। पहले वैक्सीन पर उन्होंने कई देशों को दिया, उसके बाद एक सबमिट किया वॉइस ऑफ साउथ, ग्लोबल साउथ, फिर G17 में साउथ के देशों की बात किया, और आज जाकर के जब भारत में सितंबर में 2020 में और 2023 सितंबर इस साल जब दिल्ली में G20 का सम्मेलन होने वाला है, भारत ने एक ब्रह्मास्त्र चला, कहा कि साउथ का सबसे पिछड़ा प्रदेश उसे भी G20 का आप मेंबर बनाइए, और वह है अफ्रीकन यूनियन, जिसकी स्थापना 2001 में हुई। निसंदेह ये बहुत बड़ा कदम है, उम्मीद करते हैं कि भारत की आवाज को सुनी जाएगी और G20 G21 बनेगा, और भारत का कद विश्व के अन्य देशों में भी बढ़ेगा, चीन का प्रभाव बहुत घटेगा। याद रखें, भारत का लोकतंत्र, भारत का सच, भारत का कल्चर, यह भारत का सॉफ्ट पावर है। भारत अपने सॉफ्ट पावर का प्रयोग करके विश्व को अपनी ओर आकर्षित करना चाहता है। अफ्रीका एक बहुत अच्छा विकल्प है भारत के लिए, वह भारत के विकास में भी सहायक हो सकता है। जहां भारत अफ्रीका के देशों को विकास में सहायता दे सकता है, वहीं अफ्रीका के पास ऐसे कई रिसोर्सेस हैं, कॉपर है, ऑक्साइड है, वहां पर लिथियम है, उसका प्रयोग भारत के विकास के लिए भी हो सकता है। जहां अफ्रीका का विकास होगा, वहीं भारत की जरूरतें भी पूरी होंगी। चलिए अब मिलते हैं हमें अगले टॉपिक में, नमस्कार।